हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और आज मैं बनाने जा रही हूँ केसर ऑयल। और ये केसर ऑयल मल्टीपर्पज काम में आएगा, इंटेक करने के लिए भी और एप्लीकेशन के लिए भी। चाहे आप इसको स्किन पे यूज कर सकें या फिर हेयर पर या फिर किसी बीमारी के इलाज में। लेकिन ये केसर ऑयल की रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर सीरम की रेसिपी भी बनाई है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है, रिंकल के लिए, स्पॉट्स के लिए, फ्लॉलेस वाइट और रेडिएंट स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मेरे दूसरे चैनल पर ये वीडियो अपलोड होने वाली है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिलेगा। तो बिल्कुल जाकर के इसको देखिए कि ये कैसे बना है। और केसर रेसिपी स्टार्ट होने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ये जो मेहनत है मेरी ये सफल हो जाए आपके लाइक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पर सिर्फ दो इंग्रेडिएंट मैंने यूज किया है, आलमंड ऑयल और केसर। ये बॉटल जो है ये 30 ml की है, इसमें मैंने करीबन 25 ml के करीब इसमें ऑयल डाला है और 2 pinch के करीब मैं इसमें केसर डाल रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आप 50 ml में भी 2 pinch से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, 30 ml में भी डाल सकते हैं 2 pinch। ये केसर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अच्छी क्वालिटी का केसर आप थोड़ा भी डालेंगे तो चलेगा, और अगर बहुत सूखा हुआ केसर है आपका, बहुत ड्राई क्रम्बली केसर है, तो आपको बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैंने केसर यूज़ किया है वो बहुत नरम और बहुत अच्छा फ्रेग्रेंट क्वालिटी का है। तो अगर वो केसर चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको थोड़ा बजट कम है तो आप सस्ता वाला भी ले सकते हैं। ये मैंने इसमें डाल दिया है, कैप लगा देंगे, उसके बाद हल्का सा हिला के इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद पानी बॉईल करना है और एक बाउल में पानी को निकाल कर हल्का सा ठंडा कर लेना है। इट मीन्स 1-2 मिनट। पानी का टेम्परेचर 85 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 85 डिग्री से 100 नहीं होना चाहिए जो बॉइलिंग वाटर होती है, नहीं तो कंटेनर आपका टूट जाएगा। और उसको उस वाटर में रखना है तब तक जब तक पानी ठंडी ना हो जाए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। ऐसा वाटर बाथ आपके कंटेनर को आपको दिन में 3 बार देना है और मैक्सिमम 15 डेज तक देना है। ये इसका फुल प्रोसेस है, इसको धूप में नहीं रखना है, धूप में रखने से केसर खराब हो जाएगी। दूसरी बात, केसर अपना रंग नहीं छोड़ेगी ऑयल के अंदर, केसर श्रिंक करेगी और ज़्यादा। और ये ऑयल जो केसर ऑयल बनेगा ये श्रिंक पोर्शन में अंदर केसर रहेगा, वाटर में केसर जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है और अपना रंग छोड़ती है। ये बन के तैयार हो जाता है आपके 2-3 डेज में, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम आप इसको करेंगे उतना ज़्यादा इसका एक्सट्रैक्ट बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। इसको आप ब्रोंकाइटिस में, एथराइटिस में, एस्थमा में, कफ एंड कोल्ड में, बॉडी के किसी भी तरह के पेन में, और अगर वीकनेस है तब भी ले सकते हैं। दिन में 2 बार 3 से 4 ड्रॉप चाय में, सूप में, दाल में, किसी भी चीज़ में अगर आपको इंटेक करना हो तो। एप्लीकेशन में भी ये आपको अगर डालना है तो मिनिमम 10 ड्रॉप किसी भी सीरम के अंदर डालेंगे। जो मैंने सीरम बनाया है उसमें इसकी रेसिपी बताई है कि कैसे इसको यूज़ करना है। ये मेरा जो रिसर्च है, ये जो मेरी एक्सपेरिमेंट है जो मैंने की है, केसर ऑयल सब लोग बनाते हैं बट इसका जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोबारा कह रही हूँ, और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये महंगी चीज़ बहुत सस्ते रूप में लोग बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको उपयोग कर सकें। शेयर कीजिए मेरे वीडियो को ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। और मैं कोशिश करूंगी इस चैनल पर फिर से एक्टिव होने की ताकि आपको नई नई चीज़ें छोटे वीडियो में मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं किसी न्यू वीडियो पर। टॉपिक अभी डिसाइड नहीं है लेकिन जल्दी ही न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।